द्रौपदी रोती रही, चिल्लाती रही। श्याम सुंदर के कान में जिस समय आवाज पहुंची, अरे भैया, लक्ष्मी जी बेचैन हो गई। महाराज रुक्मणी बोली, ये क्या हो रहा है? कहा, आज हमारी बहन द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींचे जा रहा है। भगवत प्रेमियों, भगवान ने वहीं से द्रौपदी की लाज को नहीं जाने दिया, चीर बढ़ाना प्रारंभ किया। दुर्योधन बार बार कहता है, खींच दुशासन खींच, लेकिन दुशासन के भुजबल थक गए, बिल्कुल जमीन पर गिर गया। लेकिन द्रौपदी की इज्जत को आंच प्रभु ने नहीं आने दी। जो मेरी गोविंद के भरोसे रहता है, उस पर कष्ट आएगा क्यों? और आएगा तो बचाने वाला मेरा गोविंद है। भैया, दुर्योधन ने कहा, 12 साल का वन काट के आओ और 13वां वर्ष अज्ञातवास के काट करके आओ, मैं तुम्हारा राज्य वापस कर दूंगा। चलते चलते भैया एक बात का ध्यान रखो, मैंने एक बड़ा सुंदर भवन बनवाया है, उस भवन में आज भोजन तो करते ही चले जाओ। जो लाख ग्रह भवन था, जिसमें बारूद ही बारूद लगी थी, भीम ने मना किया, भैया मोकूंजा ने जहर दे दियो, द्रौपदी की साड़ी भी खींचवाई। अब ना जाने जब भवन में बैठार के भोजन करावे को तो का होवे को, हम भोजन नहीं कर रहे, हम चल रहे हैं, हम तो वन काटने को तैयार है। धर्मराज दुष्टर बोले, अरे नहीं नहीं भैया, है तो हमारा भाई, चलो आज अंतिम इच्छा है तो भोजन करके चलते हैं। आज लाख ग्रहों में पांडव बैठे हैं, भैया भोजन खा नहीं पाए, तब तक दुर्योधन का आदेश हुआ, उस ग्रह में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया गया। आग लगी देखकर दुर्योधन बोला, वाह, चल करके भस्म हो जाएंगे। भीम कहने लगा, दादा मैंने तुमसे मना किया, तुम नहीं माने। भीम रो रहा है, कुंती रो रही है, पांचों पुत्रों के द्वारा आज मेरा जलना इसमें होगा, द्रौपदी भी बेचैन। एक खम्म है, उस खम्म के बीच में से खाली जगह गुफा बनी थी, जिस निकलने का द्वार कारीगर ने पहले से तैयार कर रखा था। कृष्ण को याद किया, आकाशवाणी हुई, भीम इस खम्भे को तोड़ दो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। भीम ने गदा को हाथ में लिया, खम्मा तोड़ा और उस रास्ता के द्वारा पांडव बहुत दूर जंगल में जाके निकले, जहां भैया सूरी के द्वारा एक पात्र मिला है, उससे वो भोजन करते हैं और आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दुर्वासा का भी अहंकार चूर हुआ है, कृष्ण ने एक चावल से दुर्वासा के ऋषियों की भूख को मिटाया है। जंगल में थे ना महाराज, तो भीम की आदत थी गाना गाने की, वो गाना गाता था। शाम को खाना खाया और जोर जोर से गाना गाने लगा भीम। खाना खा के जब जोर जोर से गाना गाता था भीम, तो धर्मराज कहते थे, तेरी आवाज जो है ना गधे जैसी है, बिल्कुल गधे की तरह गाता है और हमें ना सोता है ना सोने देता, बिल्कुल गधे जैसा चिल्लाता है। जब ये सुना कि गधे जैसा चिल्लाता है, भीम बोला, आज के बाद यहाँ गाना ही नहीं गाएंगे हम, चले महाराज। एक दूर जाकर के एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है, खाना खाए उस झोपड़ी में जाए और खूब मन आए तब तक खूब चिल्ला चिल्ला के गोविंद का गुणगान करे। आवाज तो गधे जैसी थी, लेकिन भीम को आभास नहीं था। एक दिन एक कुम्हार को गधा खोएगो, अंधेरे को समय वो कुम्हार और वहां को लला दोनों गधा ढूंढते फिर रहे। वो झोपड़ी के बराबर आके कुम्हार का लड़का कहने लगा, पिताजी अपना गधा ये रहा, इसमें चिल्ला रहा है। अब भीम निकल के बाहर आया, रे मैं तुझे गधा नजर आता हूँ, अरे हस्तिनापुर का राजा हूँ भीम। कुम्हार को लड़का बोलो, भैया तू राजा हो या कछु हो, वे तेरी आवाज और मेरे गधा की आवाज एक सी है बिल्कुल। भीम बोलो, आज के बाद अब गाना ही नहीं गाऊंगा, गाना बिल्कुल बंद। एक दिन भयो, दो दिन भयो, तीन दिन भयो, कृष्ण बोले, अब तो भैया हमारो भजन करना छोड़ दो। वो भीम ने
भगवान कृष्ण पांचवें दिन जाके प्रकट हो गए। अरे दादा भीम, क्यों भीम बड़े थे भैया कृष्ण से उम्र में, दादा अरे भीम। हाँ भैया गोविंद बोलो, कैसे आनो भयो। बोले आए वो यहां से भयो यार, पांच दिन है गए आज तेने कछु सुनायो ना है। बोलो गोविंद ऐसे ही रहने दो, आवाज बिल्कुल गधे जैसी। क्यों रे? अरे प्रमाण मिलेगा भैया कुमार को लड़का मोकू गधा बता रहे हो, आज के बाद तेरो भजन ही करना बिल्कुल बंद। कृष्ण बोले वाह मेरे भोरे प्रिय मित्र, दुनिया को आवाज तेरी गधे जैसी लगे, दुनिया को आवाज तेरी कैसी भी लगे, लेकिन तेरी आवाज मोकू बड़ी प्रिय लगे दादा, मोकू तू जरूर सुना दिया। भैया तो परमात्मा ना जाने किस बात पर रींझ जाए, ना वो गोरा देखता ना काला देखता, ना धनवान देखता ना गरीब देखता, ना मोटा देखता ना पतरा देखता, ना गधे जैसी आवाज देखता, ना कोयल को देखता ना कौवा को देखता, ना जाने उसकी कृपा किसके ऊपर कब बरस जाए ये कुछ पता नहीं है। 12 वर्ष जंगल में काटे, 13वां वर्ष अज्ञातवास भी काट लिया भैया कमल दहन के यहां, कीचक जैसे योद्धा को मारो द्रौपदी के कारण भीम ने, लौट के आए भैया बमाओ राज्य वापस कर दो। बोले मैं ना दूंगो, 13 साल काटवे पे भी राज्य नहीं मिला। कृष्ण को चिट्ठी भेजी भैया, कृष्ण को चिट्ठी मिली चलो तुम आओ फैसला ही करे। आप विदुर जी महाराज भी पहुंचे उस पंचायत में, कृष्ण भी आए, 56 प्रकार के भोजन बनवाए दुर्योधन ने। आहा हा, वो 56 प्रकार के भोजन कायसो बनवाए। कृष्ण आएंगे भोजन करेंगे प्रसन्न होंगे, फैसला होगा मेरे पक्ष में हो जाएगा। आजकल ना कौ के लड़का के शादी वाले आवे तो कितनी व्यवस्था होवे मालूम है, 3-4 तरह की सब्जी, तरह तरह के बड़े बड़े अच्छे पकवान, के लड़की वाले कहीं रूठ ना जाए, अच्छे अच्छे बिस्तर लगेंगे, के लड़की वाले रूठ गए तो धन ना मिलेगा, अच्छी इज्जत होगी तो पैसा खूब आएगा टीका में। स्वारस्य सेवा हो रही है, स्वारस्य। और दुर्योधन ने भी स्वारस्य पकवान बनवाए, कृष्ण खाएंगे प्रसन्न होंगे फैसला मेरे पक्ष में हो जाएगा। और गोविंद समझ गए भैया ये कटु भरे भोजन, स्वार्थ भरे भोजन हमें करने नहीं। दुर्योधन ने कहा भैया ऐसा करो पहले भोजन कर लो, भोजन तैयार है पंचायत बाद में होगी। कृष्ण बोले भैया पहले फैसला हो गएगो बाकी बाद भोजन। विदुर जी सबसे पीछे सभा में बैठे, क्यों उन्हें तो लात मार के पहले ही निकाल दिया गया था राजभवन से। विदुर जी ने कदली के वन में, केलाओं के वन में जाके अपनी कुटी बनाई थी, बड़े सुंदर आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा था दोनों पति पत्नी का कृष्ण के भजन में। कृष्ण ने कहा भैया 5 पांडव हैं और तुम ऐसा करो 5 पांडवों को 5 गांव दे दो, एक एक पांडव एक एक गांव पर राज्य करके अपनी जिंदगी काट लेगा। दुर्योधन बोला बिना लड़ाई के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा, पहले लड़ाई हो के बाद फैसला। कृष्ण बोले मान जाओ। बोले बिल्कुल नहीं मानने वाला, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। भैया पंचायत खत्म हो गई, नहीं मानते तो छोड़ो भैया, लड़ना कुछ भी करना और हम चले द्वारका। दुर्योधन बोलो रुक जाओ, जो भोजन बने रखे ये खा लो। बोले भैया आज हमारी दावत है। दावत किसके यहाँ? बोले विदुर जी के यहाँ। अब विदुर जी बेचारे सबसे पीछे बैठे, उनके घर में कुछ था ही नहीं, बथुआ तोड़ के विदुरानी को दे आए, साग बनाए लियो, कऊ पड़ोसन के यहाँ से नमक मिर्च मांग के गोविंद को भोग लगाए दियो, मैं आ रहा हूँ पंचायत में जा रहा हूँ। विदुर जी बोले घर में कुछ है नहीं, मैंने इनके लिए दावत भी नहीं दी और ये कह रहे हैं कि दावत है, मैंने तो दावत इनको दी नहीं। विदुर जी खड़े हुए, कृष्ण बोले बैठ जाओ, क्यों खड़े हो रहे हो? विदुर जी मन मार के फिर बैठ गए, कहीं घर ना पहुंच जाए। विदुर जी नहीं पहुंचे तब तक कृष्ण विदुरानी के दरवाजे पर पहुंच गए। बहना ओ विदुरानी,
स्नान कर रही थी भैया, एक ही साड़ी थी बिचारी, उसे ही धो लेती, उसे ही पहन लेती। भैया बाहर खड़े रहियो, शरीर पर वस्त्र नहीं है। भगवान ने 125 करोड़ रुपया की कीमत को पीतांबर उतारो, फेंक दियो, पहन ले। घर में पैर रखने से पहले 125 करोड़ का दान, जा घर में गोविंद जाए, गरीबी रह जाए। काऊ के घर 125 करोड़ की संपत्ति हो वो गरीब कहलाने को अधिकारी है भैया? बिल्कुल नहीं। घर में पैर नहीं रखा, 125 करोड़ को पीतांबर ले, पहन ले। पीतांबर साड़ी पहनी, ले भैया अपनो पीतांबर, बहना जाकू जो दे देता हूं कभी वापस। बोली कृष्ण भगवान।